Tell me, Diljit, you know, in your Vancouver concert, आपने एक बहुत emotional tribute पे किया. Oh yes. To Sidhu Moosewala. हाँ जी हाँ जी. And I know कि ये बहुत complex problem है, ये बहुत deep problem है, और you know एक बातचीत में ऐसे we cannot cover it. लेकिन फिर भी, how do you think we can stop things like this from happening? Tragedies of this nature, you know. What can we do? जी बिल्कुल. आप शायद उनसे कभी मिले नहीं हैं, दीप सिद्धू से. वो जहाँ से बॉम्बे से थे, और एक लड़का और संदीप जो कबड्डी खेलता था, और ऑब्वियसली सिद्धू मूसेवाला, वो तो हमारी लाइन से संबंध रखते थे. तो ये बहुत बड़े नाम हैं, तीनों नाम बहुत बड़े नाम. करेक्ट. और उन्होंने सबने मेहनत की अपने करियर में, और मुझे नहीं लगता कि यार आर्टिस्ट किसी के साथ, बीइंग आर्टिस्ट बता रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ, पर्सनल बात बता रहा हूँ, वो किसी के साथ कुछ गलत कर सकता है. मुझे ये मानने में नहीं आती बात. तो उसका किसी के साथ ऐसा कुछ चक्कर भी नहीं हो सकता, तो क्यों कोई किसी को मारेगा? ये बहुत ही ज़्यादा दुख वाली बात है. उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत मुश्किल है. इसके बारे में बात करना भी मुश्किल है. मतलब ये, मतलब आप सोच के देखो, आपका एक बच्चा हो और वो चला जाए. उनके जो फादर और उनके जो माता जी हैं, वो कैसे इस चीज़ को झेल रहे होंगे? मतलब ये इस चीज़ को आप ना तो बोल सकते हो, और ना आप उसको एहसास कर सकते हो. ये सिर्फ वो ही जानते हैं. बहुत बड़ी बात है जी. मतलब उनके साथ जो हुआ है, बिल्कुल. और 100% जी, सरकार की नलायकी है जी. और ये पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स बहुत गंदी है. भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको इंसाफ मिले और ऐसी ट्रेजेडी ना हो. ये दुनिया में हम ऐसे मारने मरनाने थोड़ो आए हैं, लेकिन ये शुरू से चलता आ रहा है जी. शुरू से चलता आ रहा है. मतलब पहले भी आर्टिस्टों को मारा गया है, तो चमकीला को भी मारा गया स्टेज पे. हाँ. मारा गया. और एक और आर्टिस्ट थे दिलशाद अख्तर जी, उनको भी मारा गया. और एक आर्टिस्ट थे फिल्मों के, वरिंदर जी, उनको भी गोली मारी गई. और बाहर भी बहुत सारे आर्टिस्टों को ओवरसीज भी जो मार देते हैं. मारना तो ये तो जैसे बोलते बज्र पाप वो हो गया. आप किसी की यार लाइफ खत्म नहीं कर सकते यार. ये बहुत बुरी, बहुत बहुत बुरी बात है. और मुझे पता जी, जब मैं भी शुरू किया था मैंने, तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं. लोगों को लगता है कि यार ये बंदा क्यों चढ़ रहा है, ये बंदा क्यों ऐसे हो रहा है. तो लेकिन किसी को मार देना, ये तो बहुत, पता नहीं, मतलब ये सरकार की गलती है 100% पहले नंबर पे, और ये पॉलिटिक्स है मेरे हिसाब से. बाकी परमात्मा उनके परिवार को अपनी ताकत दे, और वो ताकत से लड़ भी रहे हैं उस चीज़ के चीज़ के लिए. हाँ जी. तो बाबा करे सब उन्होंने इंसाफ मिले. हाउ डू यू, क्योंकि आपकी वॉइस इतनी स्ट्रांग है, यू हैव सो मेनी पीपल लुकिंग एट यू और लिसनिंग टू यू, आप कैसे डिसाइड करते हो कि मैं इस चीज़ को सपोर्ट करूंगा या इस चीज़ से मैं अलग रहूंगा? ये अब ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि सक्सेस और हर हर और मैं आपने आपको पहले भी बोला कि जब भी हम मिलते हैं, आप और सक्सेसफुल होते हो. तो एज यू बिकम मोर एंड मोर सक्सेसफुल, डज इट बिकम डिफिकल्ट? क्योंकि और लोग भी देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं. अब तो सोशल मीडिया पर इतनी ट्रोलिंग होती है, तो Is it harder? No, you know, नहीं? ना की hard. मैं जी परवाह नहीं करता किसी की, ना कोई ट्रोल शोल की परवाह, ना ये परवाह कि मेरे बारे में लोग ऐसा सोच रहे हैं और मुझे यहाँ पे ये कहना है, और ये मेरी टीम है, ये फैला दो. मुझे नहीं किसी की परवाह. कोई मेरे बारे में बुरा सोचना चाहे, प्लीज मेरे बारे में बुरा सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के सोचने से. और ना मैं किसी को यहाँ प्लीज करने आया हूँ, ना मैं ऐसा कभी सोचता हूँ कि मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए, यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए. कभी मन करता है बोल देते हैं, कभी नहीं मन करता. तो यार लोगों को थोड़ो, आप किसी को नहीं समझा सकते, आप किसी को नहीं ठीक कर सकते. ये ड्रामा हो के ही रहना है, ये जो दुनिया में ड्रामा चल रहा है ये हो के ही रहना है. अगर
अगर उसकी रजा से पता नहीं हिलता है ना कि जो करता है भगवान करता है, तो फिर वो ड्रामे कर रहे हैं सारे, तो फिर करता रहे ठीक है, फिर देखते रहो और ड्रामा आप भी करते रहो और दिल पे मत लो। दिल दिल पे लेने वाली गाली कोई नहीं, जब ड्रामा हो रहा है तो फिर दिल पे क्यों ले। यस सो मुझे नहीं प्रभाव किसी की। अच्छा एंड दिस अमेजिंग म्यूजिक दैट यू क्रिएट, ये एल्बम और सॉन्ग पे सॉन्ग जो 50 मिलियन व्यूज और 60 मिलियन और पता नहीं कितने मिलियन व्यूज जो यूट्यूब पे आते हैं, इसका इंस्पिरेशन कैसे होता है? यू आर सच अ प्रोडक्टिव आर्टिस्ट, यू नो, मतलब फर्टाइल आर्टिस्ट कि यू कीप प्रोड्यूसिंग। प्रोडक्शन चल रही है, चल रही है और मतलब क्वालिटी लेवल, ये नहीं कि बस क्वांटिटी है और यू नो अब मीडियोकर से गाने हो रहे हैं, इट्स स्टिल मतलब लवर एक बार सुन लो तो इट प्लेज, इट जस्ट कीप्स प्लेइंग एंड प्लेइंग। हाउ डू यू गेट इंस्पायर्ड टू कीप क्रिएटिंग? हाउ डू गेट इंस्पायर? आई इधर की जवाब बन गया। हाउ डू गेट इंस्पायर? म्यूजिक, क्योंकि आप म्यूजिक को जो चीज को आप, आपको कौन इंस्पायर करता है कि आप फिल्मों के लिए लिखें बोलें गाएं, कौन करता है आपको? नहीं मुझे तो प्यार है। तो फिर मैंने सानू नहीं प्यार है तो सर सानू प्यार है जी, ऑब्वियसली ये प्यार के, प्यार का मतलब जब आप प्यार में होते हो फिर नफा नुकसान नहीं होता, फिर आप प्यार में होते हो। करेक्ट। और जब आप नफा नुकसान सोचते हो फिर आप प्यार में नहीं होते हो। तो जब मैं म्यूजिक पे काम करता हूँ तो मैं प्यार में हूँ, इसलिए होता है। आपने अपना जवाब खुद ही दिया देखे, और अच्छा जवाब दिया। आपकी इंटरव्यू किस दिन मैं करूंगा? बड़ी इंटरव्यू कर लिया, आपकी इंटरव्यू लीजिए किसी ने। नहीं नहीं मैं लूंगा ये दिन। अगला जब आप प्रोग्राम रखें तो प्लीज आप मुझे बताएं, अनुपमा जी की इंटरव्यू हम करेंगे।